हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेतलानास गैलरी। मैं कैसे ये लुक क्रिएट किया है क्या आप देखना चाहते हैं? तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्टे ट्यून्ड। ओह हाय, आ गए हैं आप सब मेरी मेकअप देखने के लिए। मगर हाँ, मेकअप करने से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। पहला स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सोनी स्कैन प्रोडक्ट ग्रीन टी फेस वॉश। आप चाहे तो कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला फेस वॉश। मैं पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ, एक वीडियो बना भी चुकी हूँ सोनी प्रोडक्ट के ऊपर। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक। फेस वॉश कैसे करना है ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, इसलिए वीडियो देखते रहिए आगे। आफ्टर फेस वॉश मैं अप्लाई करूंगी फेस पर DIY आइस क्यूब्स। इसमें है आंबा हल्दी, चंदन, रोज वाटर। पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ कैसे बनाना है ये वाला DIY आइस क्यूब्स। इसकी रेसिपी आपको वहाँ मिल जाएगी। मेकअप करने से पहले आइस क्यूब एप्लीकेशन से क्या होता है, अब हमारी पोर्स जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, जिससे कि मेकअप एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ होता है। आप देख ही सकते हैं एप्लीकेशन के चलते चलते मेरे फेस पर आंबा हल्दी एंड चंदन की गुण एकदम से पेनिट्रेट हो रहा है मेरे फेस पर। मैं आ गई हूँ आपके सामने फेस को धोकर, टॉवल से डैब डैब करके अपने फेस को ड्राई कर लेना है। DIY आइस क्यूब 2-in-1 की तरह काम करता है, आपकी फेस को मॉइस्चराइज रखता है, हेल्दी रखता है एंड उपटन की भी काम कर देता है। मेकअप से पहले कर लेता है ड्रेस चेंज। टाटा, मैं हाजिर हो गई हूँ ड्रेस पहनकर आपके सामने। सब कुछ हो गया है, ऑल इज डन, अब बाकी है मेकअप की। मेकअप से पहले मॉइस्चराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप चाहे तो गुड वाइब्स की नीम तुलसी जेल भी यूज कर सकते हैं या फिर बायोटिक की चंदन सन प्रोटेक्शन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ नीम तुलसी जेल, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। एंड बायोटिक की सैंडलवुड सन प्रोटेक्शन क्रीम थोड़ा सा ऑयली होता है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं जेल अप्लाई करती हूँ। जेल अप्लीकेशन के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है, हमारी पोर्स को बहुत ही अच्छे से मिनिमाइज करता है। प्राइमर के बाद मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन फ्रॉम कलर एसेंस। फाउंडेशन हो या फिर कंसीलर, जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, कभी भी उसको रब करके मत अप्लाई करें, ऑलवेज डैब डैब करके ही अपनी स्किन पर अप्लाई करें। डैप करके एप्लीकेशन करने से आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छे से स्मूथली मेरे स्किन पर वो अप्लाई हो रहा है फाउंडेशन। फॉर मोर कवरेज ऑन माई अंडर आई, क्योंकि मैं हेवी मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए वही फाउंडेशन मैं कंसीलर की तरह अपनी अंडर आई एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। अब देख ही सकते हैं कवरेज बहुत ही अच्छी आई है। मेकअप को बेक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की कॉम्पैक्ट पाउडर।
बहुत ही अच्छा है ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, कवरेज बहुत ही बढ़िया है। आप देख ही सकते हैं एप्लीकेशन के बाद मेरा एक साइड में मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड दूसरी तरफ नहीं, आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। आई शेडो एप्लीकेशन के पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अपनी अंडर आई के नीचे लगा रही हूँ एंड देन मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो। पहला शेड मैं ले रही हूँ एकदम हल्का स्किन टोन टाइप एक शेड। अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, ज़्यादा रफली मत ब्लेंड करें, अब एकदम फेदर टच दे एंड ब्लेंड करें। सेकेंड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पलिश पिंकीज एक कलर, बहुत ही प्यारा कलर है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है कैमरा में, आप देख सकते हैं मैं अपनी कॉर्नर आई में थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ डेप्थ के लिए। एकदम फेदर टच से अच्छे से ब्लेंड करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा वाइनी शेड लेकर मैं अपनी आँखों के नीचे थोड़ा सा लगा रही हूँ, इससे मेरी आँख थोड़ा सा और डिफाइन होगा। देखिए मुझे उतना ज़्यादा मेकअप आता नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कम है, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रो इन मेकअप सो प्लीज़ डोंट जज मी। बारी है आईलाइनर की, मैं बनाऊंगी विंग्ड आईलाइनर। मैं यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर। आईलाइनर लगाना बहुत ही बड़ी टास्क होता है, दोनों आँखों में सेम होना चाहिए मगर मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, हर वक्त होता है, पता नहीं अब क्या होगा। लेफ्ट आई में तो मैं ठीक ठाक से लगा लेती हूँ मगर राइट आई पर आते ही सब गड़बड़ हो जाती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर मैं ही अकेली हूँ जो मेरे साथ ऐसा होता है। एक आँख में तो लगता तो है ठीक ठाक है, अब दूसरी आँख में भी देखते हैं कैसा होता है। प्लीज़ विश मी लक, ये वाला आँख भी एकदम ठीक ठाक से उतर जाए। लगता तो है ठीक ही है। Yay!
आई वीन, ठीक ही लगता तो है। हाँ, खराब नहीं है, ठीक ही है। अब बारी है ब्राउज की, मैं फिल करूँगी। फिल करने से पहले हमको ब्रश करना है अपनी आईब्रोज को। अब मैं फिल करूँगी आईब्रोज को। ब्रश को हमेशा अंदर की तरफ ही ब्रश करना अब आईब्रोज की, तो फिर ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। फिल करने के बाद ऑलवेज आईब्रोज को ब्रश कर लिया करें। आईब्रोज को फिल करने के बाद अब बारी है मैस्कारा की। मैस्कारा लगाने से पहले आई लैशेस को कर्ल कर लीजिए। कर्ल करने के बाद मैस्कारा लगाइए। ओह, आई नोटिस, मैं अपनी आंखों के अंदर भी थोड़ा सा आईलाइनर घुसेड़ दिया है। जो भी हो, नीचे की आईलैशेस में भी मैस्कारा लगाना मत भूलिए। मेकअप में अगर मुझे सबसे अच्छी बात कुछ लगती है तो वो है मैस्कारा एंड लिपस्टिक, आई लव देम। ओह हाँ, और हाइलाइटर भी। आंखों की काम तो ख़त्म हो गई है, अब बारी है ब्लश की। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की, मगर सॉरी, मैं चकनाचूर कर चुकी हूँ इस वाली ब्लश को। जो भी हो, वही मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी स्किन पर, अपनी चिक्स पर। देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड ये वाला ब्लश ना एक हाइलाइटर की भी काम करती है, मगर पिंक हाइलाइटर कौन लगाता है मुझे पता नहीं, व्हाटएवर। मगर चीक्स पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो ले आता है ये वाला ब्लश। मैं रिकमेंड करूंगी ब्लश लगाने के बाद हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लीजिए, ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। ब्लश के बाद अब बारी है हाइलाइटर की। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन स्ट्रोब। उसकी कंटेनर भी मैं तोड़ चुकी हूँ एंड बहुत सारी हाइलाइटर ख़त्म भी हो चुका है। जो भी हो, ये वाला हाइलाइटर मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही पिगमेंटेड है। आप देख सकते हैं एक अलग ही ग्लो मेरी स्किन पर दिख रहा है। नोज पर भी थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा लीजिए, आपकी नोज डिफाइंड हो जाएगी। ये वाला क्या प्रोडक्ट है मुझे पता नहीं, इसको मैं लोकल खरीदी थी हाइलाइटर समझकर, मगर किसी भी एंगल से ये हाइलाइटर तो है नहीं, इसलिए इसकी लाइट वाला कलर शेड मैं यूज़ करती हूँ अपनी ब्राउ बॉन्स को डिफाइन करने के लिए। ऑल इज डन। अब लिपस्टिक कौन सा यूज़ करूँ? हाँ,
मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम पिंकिश न्यूट शेड फ्रॉम हुडा ब्यूटी। मुझे ये वाला शेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब जब भी मैट लिपस्टिक यूज़ करते हैं उससे पहले जो भी आपकी मैट लिपस्टिक की शेड है उससे मिलती जुलती कोई भी क्रीमी लिपस्टिक की शेड अपनी लिप्स पर अप्लाई करें, फिर अपनी मैट लिपस्टिक अप्लाई करें। इससे क्या होता है, अगर आपकी मैट लिपस्टिक फट भी जाता है तो फिर वो उतना ज़्यादा नज़र में नहीं आता। I love this shade. Now time for hair. मगर मैं पहले ही कह देती हूँ उतनी ज़्यादा स्टाइल वाइल मुझे नहीं आती है हेयर में, तो सिंपल सा कोई भी कुछ कर लेती हूँ मैं अपनी हेयर पर। हेयर को थोड़ा बीच में से पार्ट करके क्लिप कर लूँगी सामने की थोड़ा सा पोर्शन अपनी हेयर की। मुझे सिर्फ ये सभी आता है तो यही कर रही हूँ एंड आई थॉट इट्स लुक गुड। ये वाला हेयर स्टाइल आप इंडियन वेयर हो या फिर वेस्टर्न वेयर हो सबके साथ ही मैच हो जाता है। वाओ, दोनों तरह हो गई है इसलिए मैं दोबारा अपनी हेयर को पिन अप कर रही हूँ। अब तो लगता है ठीक ही है। और हाँ, मेरी हेयर कट है फेदर। अब मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ मगर मिरर के बगैर मैं नहीं पहन सकती इसलिए मिरर से देखकर पहनकर आ गई हूँ आपके सामने। जहाँ भी जाए ऑलवेज कैरी सैनिटाइजर्स। नाउ इट्स माय कंप्लीट लुक। अब देख सकते हैं, मास्क पहनना मत भूले। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन 2020। कैसी लगी आज की मेरी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। एंड ये मेरा फर्स्ट मेकअप वीडियो था एंड लुक वीडियो था, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आप सभी को। दुर्गा पूजा में बहुत ही मज़े करें। स्टे हेल्दी, स्टे वेल, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपनी फ्रेंड सगे संबंधी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर क्विक नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जा सके एंड आप मेरे साथ मिलने आ सके। आज की वीडियो यही ख़त्म होता है। स्टे वेल, स्टे फिट। बाय बाय।